हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीवो का Y12। फ्रेंड, ये वीवो का Y12 है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इस फ़ोन का मेमोरी स्पेस फुल हो गया है, जिसके कारण इस फ़ोन में किसी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, फ़ोटो भी नहीं खिंचा रहा है और व्हाट्सअप फेसबुक भी ठीक से नहीं चल रहा है और इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। तो फ्रेंड, आज मैं इसका हार्ड रिसेट करके इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूँगा, तो वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वीवो मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को हम लोग पावर ऑफ कर देंगे। तो इस साइड में इसका पावर बटन है, इसे हम लोग दबाकर इसे ऑफ कर देंगे। अब हमारा फ़ोन जो है वो ऑफ हो रहा है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये है वॉल्यूम अप बटन, ये है डाउन बटन और ये है पावर बटन। तो हम लोग करना ये है कि वॉल्यूम अप बटन को दबा के पावर बटन को दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम अप बटन को दबा दिए, फिर पावर बटन को दबा दिए। जैसे वाइब्रेट होगा, दोनों बटन को छोड़ देंगे, आपके स्क्रीन पर इस तरह से दिखाने लगेगा। तो देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर इस तरह से आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रिबूट, उसके नीचे लिखा हुआ है रिकवरी मोड। तो हम लोग को वॉल्यूम डाउन बटन से रिकवरी मोड पर आ जाना है। आ गए और पावर बटन से ओके कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अगला ऑप्शंस भी खुलेगा। यहाँ पर 5-10 सेकंड वेट करना है। यहाँ पर वेट करना है, अगला ऑप्शंस आ जाएगा। अब तो देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस आ चुका है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए क्लियर डाटा लिखा हुआ है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब बटन का यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस पर हम लोग इस तरह से टैप कर देंगे। यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है क्लियर कैचा और नीचे लिखा है क्लियर ऑल डाटा। तो हम लोग को क्लियर ऑल डाटा पर टैप करना है और नीचे यहाँ पर ओके करना है। ठीक है, ओके हो गया। अब हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हो गया। यहाँ लिखा गया डाटा वाइप्ड सक्सेसफुली और यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न। तो चलिए अब हम लोग रिटर्न आ जाते हैं मेन मेनू में, यहाँ ऊपर में, यहाँ से बैक हो जाएंगे। अब हम लोग मेन मेनू में आ गए हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है रीस्टार्ट, इस पर हम लोग सिंपल टैप कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। अब हमारा फ़ोन जो है रिबूट मोड में चला गया है। अब यहाँ पर आपको 3 से 4-5 मिनट लगेंगे। तो जब तक यह फ़ोन खुद ब खुद रिबूट होकर खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपको वेट करना है। फ्रेंड, मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा भगा दे रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड, अब हमारा फ़ोन खुल चुका है। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट पर टैप करेंगे और अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेटअप करके दिखाते हैं। अब हम यहाँ सेटअप योर फ़ोन पे टैप करेंगे, यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ एग्री कर देंगे। यहाँ ऊपर में स्किप दिख रहा है, यहाँ पे स्किप कर देंगे, यहाँ स्किप कर देंगे। वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्किप कर दिए। यहाँ मोर पर टैप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद, ये सब करने के बाद भी अगर आपका फ़ोन नहीं खुलता है, अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। मैं उसमें आपको गूगल अकाउंट बाईपास करने के बारे में बताऊंगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख के अपने फ़ोन का लॉक खोल सकते हैं, अगर आपका फ़ोन गूगल अकाउंट लॉक होता है तो। नहीं तो फिर आप अपने फ़ोन को सेटअप करके चलाएं। अगर आपको जीमेल आईडी पता है तो आप डालें, आपका लॉक वहीं से खुल जाएगा और सिंपली आप अपने फ़ोन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ देखिए लिखा गया है कॉन्ग्रेचुलेसन। अब हम लोग यहाँ योजनाओं पर टैप करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड, इसी तरह से इस फ़ोन को हम लोग हार्ड रिसेट करते हैं। अब हमारा फ़ोन बिल्कुल फ्रेश हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल नया जैसा हो चुका है। तो आप यहाँ पर शुरू से अब अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, इस फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। फ्रेंड, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।